आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMT न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। योगी सरकार 2.0 कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। भ्रष्टाचार या लापरवाही पर अब तक कई वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही अफसरों की क्षमता के अनुसार शासन स्तर पर कई फेरबदल किए गए हैं। अब जल्द ही जिलों में तबादला एक्सप्रेस दौड़ने वाली है। माना जा रहा है कि अब तक मिली रिपोर्ट के अलावा मंडलों के प्रभारी के रूप में मंत्री जिलों का जो फीडबैक देंगे उसके आधार पर भी अफसरों को फील्ड में नई तैनाती दी जाएगी। योगी सरकार की मंशा है कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर आमजन को मिले। शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास जोर है। वह स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि अधिकारी जन शिकायतों के प्रति गंभीर रहें, दूर दराज क्षेत्रों से जनता को जनता दरबार में बेवजह न आना पड़े। इसके बावजूद तमाम मामले लापरवाही के सामने आए हैं, जिन पर हाल ही में कार्रवाई भी की गई है। अब बड़े पैमाने पर जिलों में तैनात पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के तबादले की तैयारी है। दरअसल 18 मंडलों में मंत्रियों की अध्यक्षता में टीमें लगाई गई हैं। अधिकारियों के साथ जाकर मंत्री एक एक जिले का दौरा कर रहे हैं, वहां व्यवस्थाओं को देख परख रहे हैं। वह जो भी समस्या और समाधान की रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे उसके आधार पर ही प्रत्येक जिले के विकास की कार्य योजना बनाई जानी है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मॉडल प्लान नाम दिया गया है। इंडिया फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT न्यूज। NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।